स्वच्छता त्या प्रभुता અને આ વાતને શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ તો સમજે જાય છે, પરંતુ જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની સમજમાં નથી આવી રહ્યું અને આ વાતની સાબિતી આપે છે ગિરનાર પર્વતની આસપાસ જોવા મળતા ગંદકીના દ્રશ્યો। જૂનાગઢ ગિરનાર પર્વત સાથે ન માત્ર રાજ્યની પરંતુ દેશવાસીઓની આસ્થા જોડાયેલી છે। માં અંબેના દર્શન માટે અહીં લાખોની સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ ઉમટે છે। रोपवे बन्या बाद प्रवासीओनी संख्यामां सतत वधारो थयो छे, परंतु ठेर ठेर कचराना ढगला, शौचालयनी सुविधानो अभाव सहितना पायाना मुद्दाओने कारणे प्रवासीओ गिरनार प्रवासन धामनी नकारात्मक छबी लईने परत फरता होय छे। गिरनार का तो महत्व बहुत बड़ा है। मैं ऊपर आते देखा, मैंने यहाँ तो पानी का नहीं और टॉयलेट का भी कुछ थोड़ा नहीं है। लेडीज के लिए प्रॉब्लम होता है और गंदगी हटानी चाहिए। गिरनार पर्वत पर कई समस्याओं जोवा मळे छे, तेना पर नजर करिए तो कचरानो निकाल थतो नथी। गिरनार पर्वत पर शौचालयनी सुविधा नथी। सीनियर सिटीजनों माटे बेसवानी व्यवस्था नथी। पीवाना शुद्ध पाणीनी पण पूरती सुविधा नथी। के यहां पे शौचालय साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है बराबर, और ये इतना मशहूर तीर्थ क्षेत्र है तो यहाँ सब ये प्राथमिक सुविधाएं होनी चाहिए। तो हमारी विनंती है कि आप जल्द से जल्द इस तरफ ध्यान दें और इसको एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक तीर्थ क्षेत्र बनाएं। गिरनार में गंदगी मुद्दे हाईकोर्ट में PIL करवामां आवी चुके छे। गंदगी वधवानी साथे प्रदूषण में वधारो थयो छे। वन विभाग पर पण स्थानिक धारासभ्याए रोष ठालव्यो छे। वन विभागना जळ नियमने लईने अहीं सारी प्रवृत्तिओ थई शकती नथी तेवा आक्षेप करवामां आव्या छे। संजय कोरडियाए आ मुद्दे विधानसभामां रजूआत करवानी तैयारी दर्शावी छे। खूब मोटा प्रमाणमां प्लास्टिकनो उपयोग थई रह्यो छे अने खूब मोटा प्रमाणमां ऊपर पण दबाणो थई रह्या छे। तंत्रनी बेदरकारी अने टूरिस्ट जे आवे छे एक जूनागढ़नी अने गिरनारनी खराब छाप लईने जाए छे। घणी वखत रजूआत करवा छतां पण तंत्र द्वारा कंईक ने कंईक आँख आडा कान करी अने भ્રષ્ટ નીતિ કામ કરી રહી છે। गिरनार एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नी साथे आस्थानु केंद्र छे, तेवामां प्रवासीओ मां सारी छबी जळवाई रहे ते माटे पायानी सुविधा झड़पथी आपवामां आवे ते आवश्यक बनी गयुं छे। जूनागढ़ थी केतन ओझा साथे ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश न्यूज़।